थे, जयपुर जिले की जनता थी। आपने भ्रष्टाचार किया, आप ठीक जनता की सुनना नहीं चाहते, आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए नहीं भेजा, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं भेजा, वहां तक तो ठीक है। आपने गंदे नाले का पानी जनता के ऊपर छिड़का, हम लोग भी थे, वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसको स्वीकार भी कर रहे हो जनता के बीच में, इसे खेदजनक और निंदनीय बात मैं सोचता हूँ हो नहीं सकती कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के मुंह से इस प्रकार के बयान को लेकर मैं निंदा करता हूँ कि उनको इस प्रकार का जनता के ऊपर गंदा पानी डालें, वो आपको शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार से उस बयान में कहा था कि 1500 लोग 15000 को आप 1500 में आंकोगे, तो आपकी ये तय है कि राजस्थान की जनता ने भी आपकी संख्या उसी आधार पर आंकना शुरू कर दिया है, और आपके विधायक और मंत्री भी कहने लगे कि हम फॉर्च्यूनर में बैठने जितने भी नहीं रहेंगे, इसको संज्ञान में रखना चाहिए। डॉक्टर सर ने ये भी कहा है कि आज जो महाउन्मूलन आपने भ्रष्टाचार को लेकर किया है, उनको फ्लॉप रहा है। ये तो आप लोग भी थे, जयपुर जिले का इससे बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। आपकी सभाओं में जरूर नरेगा की लेबर को आप लोग लेके आते हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को पाबंद करके आप लोग लेके आते हैं, आप उसमें आकलन करिए कि कितने लोग स्वतः वहां आते हैं पहुंचते हैं। आप हटा दीजिए आप जो नरेगा के मजदूरों को और हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, उसके बाद आपकी सभाओं में कितने लोग आते हैं आपको अपना आईना दिख जाएगा।